Hello friends, your family of faith, Divinokumar here with a poem for class 10th Amanda. Poem Amanda written by Robin Klein, where he expressed the expectations of a child about the freedom and what kind of the environment Amanda finds here has been mentioned very properly. This stands Amanda expressing her expectations to the world, to the future, and the poet expresses the poem in a way, "Don't bite your nails, Amanda." Amanda's parents, one of the parents, say, "Don't bite your nails. Apne nakun mat chabaiye. Don't hunch your soldiers. Don't serve your soldiers. Apne kandha ko mat uchkaiye, Amanda." Generally, every parent, you find that instructing the child, commanding the child, but not to teach the children, but for their upliftment, but for their all-round development. Maa-baap generally, aapne dekha hoga, instruct karte hote hain, bachche ke all-round development ke liye. Stop that slouching and sit up straight. Stop that slouching, laziness, sit straight. Parents instruct the child, Amanda, don't be lazy. Sit straight. आलसी मत बनिए, क्या आलसियों की तरह कुबड़ निकाल के बैठते हो, सीधे बैठिए अमेंडा. एंड हियर द अमेंडर एक्सप्रेसेस एंड द पोएट ट्राइज टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आफ्टर गेटिंग सच कमांड्स. पोएट राइट, देयर इज अ लैंग्वेज अमॉल सी, देयर इज रियली अ काइंड ऑफ द पीस द चाइल्ड फील्स लाइक द अमॉल सी. जिस तरह से समुद्र के रत्न मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द रेजिडेंट लाइक द सेम. जिस तरह से समुद्र में छिपे हुए रत्नों पर किसी की कोई नियम, कोई नियंत्रण नहीं चलता, अमेंडा सोचती है कि वो भी इसी तरह की स्वतंत्र होनी चाहिए. अ मरमेड क्वीन इन द सी, एक जल परी, एक परी, ड्रिफ्टिंग बोथफुल्ली, वो कैन वॉक हेयर एंड देयर इन फुल ऑफ जॉय, जो इधर उधर अपनी मस्ती से, अपने मजे से, खुशी से, स्वतंत्रता से घूम सके. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? नाउ द पेरेंट इंस्ट्रक्ट एंड रेज अ क्वेश्चन टू अमेंडा, हैव यू फिनिश योर होमवर्क? अमेंडा, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया स्कूल का? डिड यू टाइड योर रूम? हैव यू क्लीन योर रूम? क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया? अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज, अमेंडा. And the parent again raise a question that I instructed you to clean your shoes. Have you? मैंने आपको कहा था अपने जूते साफ कर लेना, क्या आपने जूते साफ कर लिए? I'm an orphan roaming the street. After getting such instructions and the question, child feels too much worried. बच्चा इतने सारे प्रश्न पूछे जाने पर बड़ा चिंतित महसूस करता है. बच्चा महसूस करता है, अपनी एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर. आई एम एन ऑफेन रोमिंग द स्ट्रीट, मे गॉड मेड मी एन ऑफेन अ पेरेंटलेस चाइल्ड. यहाँ तक सोच लेता है बच्चा कि काश मैं बिना माँ बापों वाला होता, मैं अनाथ होता. अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट एंड आई वुड बी फ्री टू वॉक हेयर एंड देयर विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी बैरियर. मैं यहाँ वहाँ कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता होता, घूम सकती होती, अपने पैरों को आराम से धूल में थप थपाते हुए मजे से घूमती. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, एज ही फील्स देयर माइट नॉट बी एनी बॉडी टू स्पीक टू मी एंड देयर वॉज देयर वुड बी द बेस्ट साइलेंस. बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा होता, किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता, कितना सुनहरा होता और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा. Parents, when a child eats something, raise this type of the question, and the parents of Amanda raise or ask her, don't eat chocolate, chocolate mat khaiye, remember your acne, you remember last time you got a pimple, Amanda, will you please look at me, would you like to see at me, I am speaking to you Amanda, one of the parents commands the way, that don't eat chocolate, it can be the cause of acne over your beautiful face, and
कॉल हर टू सी एट हिम और हर। अमंडा का पेरेंट्स में से कोई एक उसकी मदर मोस्ट प्रोबेबली मानी जा सकती है, बिकॉज यू नो गर्ल्स आर इंस्ट्रक्टेड मोस्ट ऑफ टाइम बाय देयर मदर्स। तो उसकी माँ से कहती है कि बेटा चॉकलेट नहीं खाइए, याद है पिंपल हो जाएंगे, और मैंने आपसे कहा था कि चॉकलेट नहीं खानी, और मेरी तरफ देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। स्टैंड दिस इज द वेरी कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, बट हेयर व्हाट द चाइल्ड फील्स अगेन, आई एम रैप्यूंजल। रैप्यूंजल इज अ करेक्टर ऑफ जर्मन स्टोरीज, हैड बीन द फुल फ्रीडम, आई एम नॉट अ हियर। She feels that I would be like a Rapunzel, would not have anybody to bound. काश मैं Rapunzel की तरह होती, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। Life in a tower of tranquil and fairy, and I would be in a place, I would have the shelter in tranquil, in perfect, peaceful world and rare, which is very common, uncommon. Amanda सोचती है कि काश मैं Rapunzel की तरह होती, मुझे कोई बाउंडेज नहीं होती, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, कितनी शांति से, अद्भुत शांति के साथ जी रही होती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर एंड आई वुड नेवर फेस माई सेल्फ टू बो डाउन टू पे द कमांड। मुझे कोई बंधन नहीं होता कि अपने माँ बाप की वजह से गर्दन झुका के बैठना पड़े, उनसे डरते रहना पड़े, इस टाइप की कोई बाउंडेशंस मुझे नहीं होती। स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमेंडा, आई आस्क यू नॉट टू सल्क, not to irritate, not to get angry. मैंने कहा गुस्सा मत होइए, you always so moody, you always be in your mood, you never pay attention to your parents' expectations and commands, Amanda. Anyone would think I nagged at you. And even one more simple thing, a generally parent pass to the child, that if I scold you, other people will feel that I always scold you. In the last extract, the parent commands, don't sulk at once. बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना, चिड़चिड़े नहीं होना, यू ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा अपने मूड में रहती हो। एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू, अगर मैं आपको डांटूंगा तो कोई कहेगा कि मैं आपको डांटता हूँ या डांटती हूँ। स्टैंड्स दिस इज अ वेरी कॉमन रिलेशन, चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैव टू टेक द वर्ड्स ऑफ अमेंडा इन ए राइट मैनर दैट दे वॉन्ट, दे वुड बी बेटर टू बी ऑफेन, उन्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो अनाथ होते तो बेहतर होता। You can easily imagine that what kind of the facilities, what kind of the freedom, what kind of the joy you are getting, it is just because of the parent. It is not a special favor for you from the parent side. They also expect a little bit favor from your side, that to be obedient, to be sincere, to be careful, to be loving, and to be a successful citizen for the society. उन्हें सिर्फ आपसे यही अपेक्षा होती है कि आप एक सभ्य, एक शालीन, एक स्वतंत्र और एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए निर्मित हों। चिल्ड्रन यू नीदर हैव टू टेक द पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन इन नेगेटिव मैनर, आपको अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन नेगेटिव नहीं लेनी चाहिए। यू मे हैव द वेरी वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल थ्रू आउट द वर्ल्ड, 99.9 not, but I think I can't calculate in the percentage. Hardly you get an idea or an information that a mother ever proved to be cruel, a father ever proved to be cruel. But in your age, in the age of teenage especially, we children feel that our parents don't love us, don't care for us. हमें लगता है इस उम्र में कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, परवाह नहीं करते। हम भी जब बच्चे थे हमें भी ऐसा ही लगता होगा कि हमेशा डांटते, कभी खेलने की फ्रीडम नहीं, कभी खाने की फ्रीडम नहीं, बट इट इज़ नॉट सो। यू नो वेरी वेल वी फील यू दैट यू आर इमैच्योर, यू डोंट हैव द सच आइडिया दैट हाउ टू एंड विच डायरेक्शन यू शुड लीड टू। यू नो वेरी वेल अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इफ द फायर विच इज सर्विंग यू in a very proper manner to cook your meal, you are providing all the facilities, if gets the freedom, then you can understand your beautiful house will turn into the ash, heap of ash so shortly. The electricity you are getting, जो बिजली आप ले रहे हो तारों से आपके घर में proper ना आकर के उसका current extra बाहर flow हो जाए तो current का क्या result निकलेगा,
वो आग जो भी गैस सिलेंडर से सर्व कर रही है कुकिंग के लिए, अगर वो सिलेंडर एक्सप्लोज हो जाता है तो क्या होता है? चिल्ड्रन द सेम वे, इफ यू फील दैट यू आर फ्रस्ट्रेट, यू आर एक्सप्लॉयटेड, यू आर अंडर प्रेशर, योर पेरेंट्स डोंट लव, एंड इफ दे अलाउ यू टू बी फ्री इन लाइक ए फायर, दैट यू मस्ट नॉट लीड टू ए सक्सेसफुल डायरेक्शन. अगर आपके पेरेंट्स आपको आग की तरह नियमित संयमित केंद्रित ना रखें तो आप समाज के लिए नहीं अपने आप को भी नष्ट कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, नेवर टेक योर पेरेंट्स वर्ड्स इन अदर वे. रॉबिन क्लेन वॉन्ट्स टू टीच यू थ्रू दिस पोएम. आई होप यू गॉट इट कंप्लीटली, नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज बट फॉर योर रियल लाइफ पर्पज. हैव अ स्पेशल एक्सपेक्टेशन टू फाइंड द क्वेरीज ऑन माई मेल और व्हाट्सएप एड्रेस. सो प्लीज हैव ए नाइस डे.